अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? चलें जी, आप मेरी वीडियो की हाइलाइट्स देख लें, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। जी ये कैंट इंग्लैंड के अंदर एक बीच है, मार्गरेट बीच। जी हम उधर गए हुए थे, मार्गरेट इंग्लैंड के एक टाउन का नाम है ये, उस वहाँ पर बीच था, हम उधर गए थे। और ये लंदन से 2 घंटे की ड्राइव पे था। और अपनी वीडियो में मैंने कुछ पार्ट्स जो है ना, वो ड्रोन से जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके भी ऐड किए हुए हैं। तो ये स्टार्टिंग पे सारे ड्रोन के व्यू हैं, ये ड्रोन से बीच का कैसा व्यू है, तो वो मैंने स्टार्टिंग पे थोड़ा ऐड किया। डिफरेंट जगह पे वीडियोस में ड्रोन के व्यूज़ भी ऐड हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, ये नया भागती हुई आ रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट भी कीजिएगा। नया आप लोगों को हाथ हिला रही है जी कि मेरी वीडियो ऊपर से बन रही है तो मैं हाथ हिला दूं। चलें जी, अब चलते हैं बीच की तरफ। ये स्टार्टिंग पे थे हम लोग, तो अब हम जा रहे हैं जी थोड़ा आगे, ताकि वहाँ से ज़रा बच्चों ने पानी में ये सैंड कैसल वगैरह बनानी है, तो वो ज़रा ये व्लॉग काफ़ी लंबा है तो इसलिए मैं सारी वीडियो पर बोल नहीं सकती। तो आप लोग मेरी जो व्लॉग है इसको रीजनल वाइज के साथ ही इन्जॉय करें। और जो रयान है ना, ये जो आपको नज़र आ रही है जो डाक डाक है, ये सी वीट है, इससे डर रहा है क्योंकि जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं ना, हम लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ तक ना रोज़ शाम में पानी ऊपर तक आ जाता है, तो फिर उस वजह से यहाँ पे सी वीट्स जो है ना वो किनारों के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए रयान जो है ना वो उनके ऊपर पानी लगा रहा, कह रहा था कि मामा मुझे उठा लेना। और वैसे भी अब जैसे जैसे ये कोई 3 बजे का टाइम है तो आफ्टरनून के बाद, तो अब ये है कि थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और एक साइड पे इसी जगह के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है बच्चों के लिए स्पेशल, उसके अंदर बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं। और हम लोग अभी सो के उठे थे तो फिर अचानक मेरे हस्बैंड ने प्लान बना लिया बीच का, तो हम वैसे ही चले गए। और अनाया बार बार मुझे ये कह रही थी कि मामा मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहना, मैं स्लीपिंग पजामा में क्यों? तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, खैर है। तो वो सारा ना बीच पे यही मुझे बार बार कहती रही कि मैंने मामा स्लीपिंग पजामा पहना हुआ, यहाँ पर किसी ने भी नहीं पहना हुआ। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं है, लाजमी नहीं है कि हम वही काम करें जो बाकी सारे कर रहे हैं। लोगों को ये जो अनाया के पीछे फ्लैग नज़र आ रहे हैं रेड और येलो, ये लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी, इसका मतलब होता है कि आप इस एरिया के अंदर ना बीच में आपने बोटिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, कुछ भी करना है यहाँ पे करें, क्योंकि यहाँ पे इतने एरिया के अंदर लाइफ गार्ड हर वक्त एक्टिव रहते हैं, अगर कुछ मसला हो जाए तो वो फ़ौरन आपको सेव करने के लिए रेडी होते हैं। तो इसलिए ये उन्होंने फ्लैग्स लगाए होते हैं कि आप लोगों ने अगर पानी में जाना है, बोटिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, तो आप इन फ्लैग्स का जो अंदर वाला एरिया है ना उसके अंदर रह के करें।
मियाँ साहब जो है वो स्विमिंग कर रहे थे, नायक के बाबा, और मुझे बहुत डर लग रहा होता है कि ये दूर ना निकल गई, ये काफ़ी आगे चले जाते हैं, तो मैं बार बार इन्हें इशारे कर रही होती हूँ जी वापस आ जाएँ वापस आ जाएँ। देखिए ये फ्लैग भी यहाँ पे लगा हुआ है, और ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये देखिए ये लाइफ गार्ड बोट भी खड़ी हुई है। सिर्फ इस एरिया के अंदर ही आप बोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ताकि अगर कोई मसला हो तो आपको रिकवर कर सकें। बॉटम स्टील दिया पानी बहुत डाला हुआ ना
Yes, awesome.